अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू निम्स ट्यूटोरियल्स। कैसे हैं आप सब? आज उन तमाम लोगों को जिनको सिवियर एक्नी है या किसी किस्म की भी एक्नी है, माइल्ड एक्नी है, सिस्टिक एक्नी है, तो उनके लिए एक बेस्ट एक्नी ट्रीटमेंट लेकर आई हूँ जो कि कंप्लीट ट्रीटमेंट है, जिसके यूज़ करने से 110% आपको इसका रिजल्ट मिलेगा। और जितने लोगों ने यूज़ किया है उनके फीडबैक मुझे बहुत अच्छा मिला है। अगर आप तंग आ चुके हैं डिफरेंट प्रोडक्ट्स यूज़ करके एक्नी के लिए और आपकी एक्नी ख़त्म नहीं हो रही, तो ये जो मैं आपको ट्रीटमेंट बताने जा रही हूँ, एक दफ़ा मेरे कहने पर, मुझ पर ट्रस्ट करके यूज़ कर ले, इंशाल्लाह आपको 120% इसका रिज़ल्ट मिलेगा। लेकिन अफेक्टिव रिज़ल्ट हासिल करने से पहले ये बात शर्त है कि आप वीडियो कंप्लीट देखेंगे, कहीं से भी वीडियो को स्किप नहीं करेंगे, क्योंकि मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस वीडियो के बीच में दूंगी ताकि आपको अच्छा रिज़ल्ट हासिल हो सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं एक चैनल को शाउट आउट देना चाहूँगी, तो प्लीज़ आप तमाम लोग, पश्तून व्लॉगर ये चैनल है जिसमें मज़े मज़े के व्लॉग्स अपलोड करती हैं, आप ज़रूर इसको सब्सक्राइब करें। चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जल्दी से जाइए चैनल को सब्सक्राइब करें और वापस जल्दी से आ जाइए। आज की जो हमारी एक्नी ट्रीटमेंट वीडियो है वो उन तमाम लोगों के लिए जो कि महंगे डर्मेटोलॉजिस्ट की फ़ी अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उनको मैं घर बैठे ही बहुत ही ज़बरदस्त ये ट्रीटमेंट बता रही हूँ जो कि बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में हर कोई इसको इजीली अफोर्ड कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने ख़रीदना होगा एक्नी बार क्लिनजिंग सोप, आप देख सकते हैं। अगर आपको ये इज़िली अवेलेबल नहीं है तो आप एक्नी एड बार सोप भी ले सकते हैं। ये सोप एक्नी प्रोन और ऑयली स्किन के लिए बहुत ही बेस्ट है, सेरीना कॉस्मेटिक्स का सोप है। ये आपको इजीली किसी भी मेडिकल स्टोर से मिल जाएगा 140 रुपीज़ में। अगर आपकी ड्राई स्किन है देन आप जब भी अपने फेस को इससे वॉश करेंगे तो आपने कोई भी अच्छा सा मॉइस्चराइज़र ज़रूर लगाना है, और अगर आपकी ऑयली स्किन है देन आपने तब भी जो है मॉइस्चराइज़र ज़रूर लगाना है। सेकेंड में एक्नी पर अप्लाई करने के लिए जो हमारे पास लोशन है 30 ml की बॉटल में, ये है क्लाइसिन टी। ये आपको किसी भी मेडिकल स्टोर से 180 रुपीज़ में इजीली मिल जाएगा, आप इसका नाम जो है नोट कर सकते हैं। बहुत सारे व्यूवर्स को अगर ये सेम नाम से नहीं मिलता मेडिकल स्टोर से, तो आप इसके नीचे जो इसका फॉर्मूला है वो देख सकते हैं, क्लिंडामाइसिन फॉस्फेट, आप इस नाम से इसको खरीद सकते हैं। अगर आप इंडिया में है, किसी और कंट्री में है, तो आप क्लिंडामाइसिन फॉस्फेट के नाम से इसको इजीली परचेज कर सकते हैं। और इसको अप्लाई करने का तरीका ये है कि आप एक दिन के टाइम में और एक रात को सोने से पहले अपने फेस पर जहां पर आपको एक्नी है इसको अप्लाई करें। अगर आप स्किन से रिलेटेड कोई भी ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो आपको इस बात का खास ख्याल रखना चाहिए कि अगर आप उसको डे टाइम यूज़ कर रहे हैं तो मेक श्योर कि आप जो है कहीं धूप में बाहर ना निकलें या चूल्हे के आगे मत बैठें। थर्ड में हमारे पास है वाइब्रामाइसिन कैप्सूल्स, जो कि आपको इजीली मेडिकल स्टोर से इसी नाम से अवेलेबल है। अगर आपको इस नाम से ये नहीं मिल रहे तो आप डॉक्सिन नाम से भी इसको ख़रीद सकते हैं, या कॉन्टीमाइसिन के नाम से भी आपको ये कैप्सूल मिल जाएंगे। और ये कैप्सूल आपने डेली एक लेना है, अगर आप दोपहर के टाइम ले रहे हैं तो आपने रोज़ाना एक दोपहर के टाइम ही लेना है। 6 से 7 हफ्तों तक आपने इसका इस्तेमाल करना है, और ये तमाम जो आपको इसका रिज़ल्ट मिलेगा वो इंशाल्लाह कंप्लीट रिज़ल्ट आपको 6 से 7 हफ्तों में आपकी एक्नी कम्प्लीटली ख़त्म हो जाएगी अगर आप इसको रेगुलर यूज़ करेंगे। और जो प्रेग्नेंट औरतें हैं वो डॉक्टर की कंसल्टेशन के बगैर इस ट्रीटमेंट को यूज़ ना करें, और 6 से 7 हफ्तों में आपकी कम्प्लीटली एक्नी जो है क्लियर हो जाएगी, और उसके बाद आपके जो एक्नी के स्पॉट्स रह जाएंगे उसके लिए भी मैंने वीडियो अपलोड की है, आपको मेरे चैनल पर इजीली वो वीडियो अवेलेबल है। हो सकता है ये ट्रीटमेंट लेते हुए 1 वीक में आपको ऐसा फील हो कि मेरी एक्नी ठीक नहीं हो रही बल्कि ज़्यादा हो रही है, तो आपने ये छोड़ करके एक्नी ज़्यादा हो रही है इस ट्रीटमेंट को रोकना नहीं है, बल्कि आपने इसको रेगुलर यूज़ करते रहना है, ये लोशन आपने अप्लाई करना है, क्योंकि जो आपकी एक्नी जो होती है जो दबी हुई वो उसको बाहर निकाल के उसको अच्छे से ट्रीट करेगी। तो आप लोगों ने इस ट्रीटमेंट को यूज़ करते हुए पेशेंस का रखना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आप सब्र से काम लेंगे इंशाल्लाह आपकी एक्नी कम्प्लीटली ख़त्म हो जाएगी। मैं आप तमाम लोगों की एक और मिसकंसेप्शन जो है वो दूर कर देती हूँ। अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है, एक्नी है, तो आप बार बार अपने फेस को वॉश नहीं करेंगे, आप जस्ट इस सोप से दिन में 2 दफ़ा अपने फेस को वॉश करें, और बहुत ज़्यादा आप जब अपने फेस को वॉश करते हैं तो आपकी एक्नी और ज़्यादा इरिटेट हो जाती है, आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है और ख़ुद से ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस करने लगती है, जिसकी वजह से आपको मज़ीद एक्नी हो जाती है।
चाहे आपकी कितनी भी ऑयली स्किन क्यों ना हो, जब भी आप अपने फेस को वॉश करें तो कोई भी अच्छा सा मॉइस्चराइज़र आप अपने फेस पर ज़रूर लगा लीजिए। अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आप जो है वाटर बेस्ड मॉइस्चराइज़र यूज़ करें, इंशाल्लाह आपकी एक्नी ज़रूर इस ट्रीटमेंट से ख़त्म हो जाएगी। और अगर आप लोगों को ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, और इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है या आपकी कोई रिक्वेस्ट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, इंशाल्लाह मैं आपके तमाम कमेंट्स का रिप्लाई करूँगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।